एन के स्टूडियो पर। कंस जब उस कन्या को अपने हाथों में पकड़ता है और उस पत्थर की शिला पर मारता है तो उसके हाथों में से छुड़ा जाती है, वह आकाश में जाके बोलती है, आकाशवाणी होती है और बिजली चमकी, गड़गड़ाई, या बिजली गड़गड़ाना या उससे पहले ना गड़गड़ा कर दी या उसी समय गड़गड़ाई थी जब कंस के हाथों से या एकदम छुटा के आकाश में बोल ली कि अरे कंस मूर्ख, अरे अभिमानी पापी दुष्ट, मेरे को क्या मारता है, तेरे को मारने वाला गोकुल नगरी में पैदा हो गया है, उसका पालन पोषण होने लग रहा है। तो कृष्ण भगवान बाल ग्वालों के साथ वहाँ खेल खेलते हैं, रास रचाते हैं, कभी गोपनियों के दही की मटकियाँ फोड़ देते हैं, कभी उनके कपड़े उतार लेते हैं। क्या बताया भला, ला 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 ला।
दही खानिए मथुरा के बाद दही खानिए वह मानस से मारे अदमक बंसी बरदा बंसी वह मानस से मारे अदमक बंसी बरदा बंसी वह मानस से मारे थारे दारू सुअर तेरे भक्त दमदा जी बने थारे दारू सुअर तेरे भक्त दमदा जी बने दानू सुधारी चा अरे याती जाती चेरो जो नंद के बाद में रमा मारो मराना नंद के बाद नाना की करवा दोगी अरे याती जाती चेरो जो नंद के बाद में थोड़े बड़ू थारे घर में रुका पड़ जा सहन कर में थोड़े बड़ू थारे घर में रुका पड़ जा सहन कर में मत थाज बगा जुमा राती दाती छेड़ो सो नंद के लाल तेरी राम कहानी राम तेरी करे या तेरी राम कहानी जानी लक्ष्मी चंद्र मुरारी संख्या संख्या लक्ष्मी लक्ष्मी चंद्र मुरारी जमुना जी की धारा